आपके पास कुछ मैसेज वैसेज या कोई ऐसी कोई प्राइवेट चीज है जो आपने रख रखी है? हमारे पास प्राइवेट चीज है एक दूसरे की. यार मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और केमिस्ट्री वेमिस्ट्री तो बाद में सोचते हैं. वो तो सोचा भी नहीं मैंने. मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार लाइफ में एक अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा. आपने इंस्टाग्राम चेक किया था? मैं तो आहें भरता था. इस फिल्म के बाद कुछ वा, 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 ऐसे प्रेशर्स ऑन यू बार हुआ ऐसा पता है? हां रियली एक्ट्रेसेस के साथ मैंने काम किया उसका एक साल के अंदर शादी हो गई. ये तो मैं ये तो इनकी तरफ देख इतनी कम फिल्में क्यों यार? इतनी कम फिल्में ही मिलती हैं मुझे. सॉरी नो ऑफेंस बट मैं कोशिश करती हूँ जितनी वो चार पांच जो मेरे पास आती हैं उसमें से मैं बेस्ट कर लूँ. क्योंकि जब मैं बहुत बुरी फिल्म करती हूँ उसकी भी गालियाँ मैंने सुनी है कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था. ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ? हाँ हाँ. मेरा कभी कभी जो है ना इंटेंस फिल्म करके थोड़ा मन करता है थोड़ा रोमांस किया जाए है ना, तो मैं कर लेता हूँ. अभी अभी तीन चार फिल्में रोमांस के ऊपर आएंगी उसके बाद थोड़ा सा फिर अपने औकात में आ जाऊँगा. अभी थोड़ा गनमन हाथ में है तो थोड़ा था वो किया जाए. तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अब एक फिल्म में थोड़ा सा ऐसी करूँ. नमस्कार दर्शकों, न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा. देखिए एक शब्द है मैं बोलती हूँ मजा आपको अपने आप आ जाएगा और वो है जोगीरा सारा रारा. दरअसल जहाँ भी ये ऐसा सारा रारा आ जाता है ना तो आप अपने आप ही एक मस्ती में चले जाते हैं. और इन दिनों एक इसी शब्द के इर्द गिर्द एक ट्रेलर आया है जो देखने के बाद उतनी ही मस्ती उतना ही मज़ा दे रहा है. इस फिल्म की लीड कास्ट हमारे साथ मौजूद हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी और नेहा शर्मा जी जो दोनों ही अपने अपने जॉनर में अपने अपने अंदाज में काफ़ी फेमस हैं. एक एक्टिंग का महारत ही है, दूसरी की खूबसूरती अदाएं और उनकी फिल्में हमेशा दिल को छू जाती हैं. तो चलिए सीधे उनके पास चलते हैं. सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, इतना मज़ेदार ट्रेलर है, कैसे रिएक्शंस आए हैं? यार आपकी बातें सुन के तो मैं खुशी हो गई हूँ. खुशी होना चाहिए, सरा ररा के बाद तो अगली फीलिंग यही वाली होती है. और खासतौर पे मैं ब्रज से हूँ और ब्रज में तो आप एक बार कहीं भी खड़े होकर सरा ररा बोल दीजिए दो तीन लोग नाच पड़ेंगे. जी बिल्कुल. नवाज जी आपसे मुझे पूछना है, पहले आपने असद भोपाली जी की एक और फिल्म की थी और ये दूसरी फिल्म है. जी बाबू मशाई बंदूकबाज और ये दूसरी फिल्म है. राइटर वो काफी बढ़िया है. ओ कमाल के राइटर है जी. और तो मुझे ये बताइए कि क्या आपके पास मतलब उन्हें आप एज ए एक्टर बहुत ज्यादा पसंद है या आपके पास कुछ मैसेज वैसेज या कोई ऐसी कोई प्राइवेट चीज है जो आपने रख रखी है? हमारे पास प्राइवेट चीज है एक दूसरे की. तो इसीलिए कहीं और नहीं जा सकते? नहीं जाते, अगर जाके दिखाएं वो. हाँ तो भोपाली जी से और क्या उनसे हम अब पूछेंगे कौन सी प्राइवेट चीज है जो नवाज जी के पास है. चलिए सबसे पहले इस फिल्म से मुझे बार बार जब भी मैं नवाज जी से बात करती हूँ मुझे वही याद आता है कि किसी ने कहा था कि आपने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे अब खून लग गया है रोमांटिक फिल्मों का. और काफ़ी मज़ा आता है इन फिल्मों में. केमिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है रोमांस के लिए, तो पहले मुझे बताइए दोनों का फर्स्ट इंप्रेशन जब आपको पता चला एक दूसरे के लिए अगेंस्ट आप कास्ट हो रहे हैं कैसा था और केमिस्ट्री बिल्डअप का फर्स्ट चैप्टर अगर आप बता पाए थोड़ा सा? यार मैं तो बहुत एक्साइटेड थी और केमिस्ट्री वेमिस्ट्री तो बाद में सोचते हैं. वो तो सोचा भी नहीं मैंने. मैं बहुत एक्साइटेड थी कि यार लाइफ में एक अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिलेगा. इफ ही सेड यस ग्रेट आई एम गोना लर्न अ फ्यू अमेजिंग थिंग्स एंड आई होप देयर विल बी कुछ नया कुछ मज़ेदार क्रिएट होगा. सो आई वाज रियली एक्साइटेड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जहाँ तक केमिस्ट्री का सवाल है मुझे लगता है या तो वो होती है या तो नहीं होती है. यू कांट क्रिएट इट. सो आई फील when he walked on set and we did the first scene I thought yes we have it. तो केमिस्ट्री थी आपकी तरफ से कोई कोशिश थी या आपके दिमाग में भी आ गया था कि नहीं है we have it? मतलब केमिस्ट्री मतलब जब भाई हीरोइन केमिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं. हां बिल्कुल. मैंने साइंस जो ग्रेजुएशन किया वो केमिस्ट्री से ही किया. तो केमिस्ट्री ना भी हो तो हम बना लेते हैं टाइप में. लेकिन जैसे जैसे नेहा ने कहा कि जैसे फर्स्ट सीन जब हमारा हुआ तो उसमें पता चल जाता है कि हाँ कि आगे जो फिल्म का जो सीन्स होंगे हमारे वो बहुत अच्छे से निकलेंगे. क्योंकि वो पता चल जाता है फर्स्ट सीन में ही पता चल जाता है. सीन तो फिर भी आया लेकिन कुछ फर्स्ट इंप्रेशन टाइप कुछ याद है एक दूसरे को देख के? आई मीन आप लोग पहली बार सेट में मिले, ये फर्स्ट आपकी फिल्म है,
चाहे सेशन में या आई मीन वर्कशॉप वगैरह आपकी कुछ हो, कोई फर्स्ट इम्प्रेशन अगर एक दूसरे के बारे में, बाद में चेंज भी हो सकता है? यार मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन तो ऑफ कोर्स आई वाज इन ऑल ऑफ हिम बिकॉज ही इज अ फिनोमिनल एक्टर. तो मुझे वो बैगेज था ऑफ द फिल्म्स दैट ही हैड डन. तो मुझे था कि यार ये तो फिल्म, चलो दिस इज द जॉनर ऑफ द फिल्म, बट इवेंचुअली आई वांट टू डू समथिंग हिज काइंड ऑफ सिनेमा इवेंचुअली. तो वो था मेरे दिमाग में दैट आई एम मीटिंग वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स दैट इंडिया इज एवर हैड. सो वो था. तो वो तो आप ऑ में ही रहते हो फर्स्ट टाइम. आपने इंस्टाग्राम चेक किया था? मैं तो आहें भरता था. सो नाइस. जुगाड़ की बहुत सारी बातें हुई हैं, कोई फिल्म आने के लिए कभी जुगाड़ किया है छोटा मोटा भी? फिल्म, हाँ, किसी पाने फिल्म को पाने के लिए, या आपको पता चल गया हो कि भाई कास्टिंग हो रही है? इतना ही जुगाड़ होता था, जाके ऑडिशन दे दो शुरू में, या अपना बायोडाटा दिखा देते थे, इतना ही जुगाड़ चलता था, बाकी इससे इसके आगे तो जा नहीं सकते थे. हाँ. जी. नहीं, आपने जुगाड़ ट्राई किया है? बिकॉज़ आई नो कि आप. यार मैंने ऑडिशन बहुत दिए हैं बट वो जुगाड़ चलते नहीं है. आई फील लाइक दे नो उनको क्या चाहिए, कौन चाहिए. सो आई फील लाइक इट्स नॉट वर्कड इन माय फेवर अ लॉट. जी. अब मुझे ये बताइए, मोतीचूर चकनाचूर आपने आथिया के साथ की, रोमांटिक फिल्म थी, काफी मजेदार थी, और उसके बाद आथिया की शादी हो गई. इस फिल्म के बाद कुछ ऐसे प्रेशर ऑन यू बार हुआ ऐसा, पता है? हाँ. Really? एक्ट्रेसेस के साथ मैंने काम किया, उसका एक साल के अंदर शादी हो गई. ये तो मैं ये तो इनकी तरफ मैं वही, इसीलिए तो मुझे एक साल के बाद तुझे ले निकल ली है. तो किसके साथ हुआ है? और आई हैव नो आइडिया. मैं बताऊंगा आपको. अब खोलेंगे राज. एक दो और फिल्में की थी बाबू शायद, तो नहीं, एक और एक दो फिल्में बताऊंगा मैं आपको. तो नेहा, मेरी मॉम ये इंटरव्यू कर देख रही है, शी विल बी वेरी हैप्पी. आई थिंक माय डैड आल्सो सीक्रेटली दे आर बोथ होपिंग. एक साल मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, सिर्फ एक साल रुक जाओ आप. तो भाई शादियां करवानी हो जिन भी एक्ट्रेसेस को, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हैं बाबा, जो एक साल का गारंटेड टोटका है, शादी कंफर्म है. हाउ स्वीट. शादियों की बात हो रही है और एक बड़ा खूबसूरत सा गाना है आप ही की फिल्म में, और मुझे लगता है कि बड़ी जीवन की सच्चाई है, शादी तो है टॉर्चर. आप लोगों के पर्सनल क्या विचार है शादी के बारे में? यार आई फील इट कैन बी अ फन जॉय राइड अगर यू आर विद द राइट पर्सन, बट इफ यू आर विद द रॉन्ग पर्सन देन इट इज गोइंग टू बी अ टॉर्चर ना, बिकॉज यू हैव टू डील विद दैट पर्सन इन एंड आउट एवरी डे एंड यू डोंट एंजॉय दैट पर्सन. तो आई फील अगर वो सही आदमी है तो ठीक है, नहीं है तो फिर तो टॉर्चर ही होना है. अब बिल्कुल यही विचार मेरे भी. कॉपी पेस्ट. फैंटास्टिक. आप यहाँ पे कहते ना आखिरी पड़ाव पे चलते हैं, मैच मेकर बने हैं शादी के, मुझे ये बताइए कोई ऐसा किस्सा, क्योंकि आसपास हम लोगों के खासतौर पे घरों में एक आध तो चाची ताई नानी आसपास वाली या फिर आंटियां ऐसी जरूर होती हैं जो आके कि फलानी का फलाने से करवा दो. कोई ऐसा किस्सा याद है किसी मैचमेकर का या फिर इस फिल्म के लिए कहीं से कोई इंस्पिरेशन ऐसी कोई ली आपने? गांव में जैसे रियल लाइफ में होते हैं कि हमारे घर में भी आती थी जो दादी नानी के टाइम की आंटियां होती थी, तो आती थी बताने के लिए कि भाई ये है, वो लड़का है, ये करता है, वो करता है, लड़की ये करती है, आके बताते हैं, फिर उनके यहाँ पे जाके सेम चीज़ें बताते हैं. तो इस तरह की बहुत सारी. आई मिस दिस. ये नहीं हुआ है मेरे साथ. वो आंटियां हैं कहाँ, हमारे घर पे नहीं आ रही, वो गायब हो चुकी है आजकल. नहीं दौर है में, इस दौर में बहुत मुश्किल है. उन आंटियों पे इतने इन्फ्लुएंसर रील्स बने हैं कि वो बिचारी अब चाह के भी नहीं आती हैं कि छोड़ो, जिसको करनी है वो करो, जिसको नहीं करनी वो नहीं. और जैसे लड़के के बारे में बात करें, लड़की वालों के घर में तो मतलब पूरा इतनी तारीफें होती थी कि वो लड़का तो ऐसा है, मतलब चलता हीरा है, चलते हुए मतलब लचक आती है, खाता है तो बहुत थोड़ा सा खाता है, है ना, कुछ करता ही नहीं है, बस बाद में पता चले सच में कुछ नहीं करता. कुछ ही नहीं करता. नेहा, बहुत सारे लोग जब बहुत सारे लोगों को पता चला कि मैं आपसे बातचीत करने वाली हूँ, मेरे पास ये सवाल आया कि आपको हम बहुत पसंद करते हैं, इतनी कम फिल्में क्यों? यार इतनी कम फिल्में ही मिलती हैं मुझे. सॉरी नो ऑफेंस, बट मैं कोशिश करती हूँ जितनी वो चार पांच जो मेरे पास आती हैं उसमें से मैं बेस्ट कर लूँ, क्योंकि जब मैं बहुत बुरी फिल्म करती हूँ उसकी भी गालियाँ मैंने सुनी है कि यार ये तो नहीं करना चाहिए था. अच्छा, हाँ बताऊँगी बाद में इंटरव्यू के बाद. सो आई एम लाइक पिकी नहीं हूँ मैं,
आई ट्राई, मतलब मुझे अभी ये जुगाड़ वगाड़ नहीं पता, ऑडिशन का पता नहीं चलता कभी कभी, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्मों की कास्टिंग हो जाती है, मैं ट्रेलर देख के बोलती हूँ यार इसका जब ऑडिशन हुआ था मुझे क्यों नहीं पता चला, तो आई मिस आउट, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेल नेटवर्कड, तो मुझे पता नहीं चलता, बट या आई ट्राई टू, अब इंटरव्यूज में मैं 10 बार बोल देती हूँ कि नहीं आते हैं मुझे ऑफर्स, तो जो जो बैठे ऑफर देके आ जाइए भाई, जो सुन रहे हो आ जाओ क्योंकि नेहा की जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मैं नेटवर्क नहीं करती तो ये जो जो सारा बना हुआ है कि पार्टीज में जाना जरूरी है, एक और शख्स हमारे पास बैठे हुए हैं जिन्हें हम बहुत कम पार्टीज में देखते हैं, ये सच में उतना उतना ही important है? I don't think parties, like networking. I feel networking is important because यार जो दिखता है वही बिकता है, आपके आप दिमाग में ही नहीं हो लोगों के, out of the sight is out of mind, तो मुझे लगता है उनको पता ही नहीं है कि okay you can become an option, उनके दिमाग में आना चाहिए that you could also be an option, so I feel वो networking जरूरी है, but नहीं आता है मुझे. देखिए आई मीन ये कितना बड़ा आई मीन कॉन्ट्रास्ट है कि सोशल मीडिया की इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर वो कह रही है नेटवर्किंग नहीं आती, बाद में हम इस पे और बातें करेंगे. नवाज आपको हमने ये फिल्म तो है ही, इसके अलावा हड्डी के पोस्टर ने बहुत हंगामा मचाया एंड फैंटास्टिक, क्या लुक है, क्या आपने किस तरह से उस करेक्टर को कैरी किया है, इसके अलावा भी आई मीन और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें हम देखने वाले हैं आपको, जैसे आई थिंक टीनू वेट शेरू है, टीनू वेट शेरू जी, और भी कुछ फिल्में हैं, कैसे क्या प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, या अब सोच लिया है कि भाई नहीं अब रोमांटिक हीरो बनना है या ऐसा कुछ? नहीं ऐसा नहीं है, मेरा कभी कभी जो है ना इंटेंस फिल्म करके थोड़ा मन करता है थोड़ा रोमांस किया जाए जी, है ना, तो मैं कर लेता हूँ. अभी अभी 3-4 फिल्में रोमांस के ऊपर आएंगी, उसके बाद थोड़ा सा फिर अपनी औकात में आ जाऊँगा, मैं चाह रहा हूँ अभी थोड़ा गनवन हाथ में आए तो थोड़ा सा वो किया जाए, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अब एक फिल्म में थोड़ा सा ऐसी करूँ. नहीं बट आप आपको नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा टाइपकास्ट करना होता है, बिकॉज यू आर अ फैंटास्टिक टाइपकास्ट हीरो होता है, जो बॉलीवुड का हीरो वो टाइपकास्ट है, 40 साल 35 साल से एक ही तरह का रोल करता है वो टाइपकास्ट होता है. ये थोड़ा सा वोकैबुलरी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइपकास्ट मतलब जो हमारे से ज्यादा वैरायटी वाले रोल किसने किए हैं, ठाकरे, मंटो, ये वो एक कॉमेडी कर रहे हैं, सीरियस कर रहे हैं, माउंटेन मैन, इस तरह के कैरेक्टर, तो और एक हीरो जो मतलब हीरो की गलती नहीं थी बेचारे को, लेकिन इंडस्ट्री हीरो को एक ही तरह के रोल करवाती है, सही बात, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली, जबकि उस हीरो में हो सकता बहुत टैलेंट हो, यू नो, और होता भी है, बहुत सारे हीरोज हैं जो जिनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, लेकिन उनकी मजबूरी ऐसी बन जाती है उनको एक ही तरह का रोल देते हैं, वो गाने गाते रहो या फाइट करते रहो या बस इसके अलावा कुछ और करवाते हैं. सो नाइस, आई थिंक यहाँ के बाद मैं जब भी नवाज से मिलूंगी और मैं जल्दी मिलूंगी तो फिर हम इसके आगे वाली बातें कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि yes. सच में जैसे हम जोगीरा सरारा बोलते हैं ना, फिर सीरियस बातें करने का मन ही नहीं होता. तो ये जो ये वो फिल्म है जिसके नाम में मज़ा है, जिसके ट्रेलर में काफ़ी मज़ा है, अब 26 मई को पता चलेगा कि फिल्म में कितना मज़ा है और ऑडियंस तय करेगी. बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 के साथ बात करने के. थैंक यू.